हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्यन केमिस्ट्री की पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्टियस रीअरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, कार्टियस रीअरेंजमेंट। तो इसमें अगर बात करें व्हाट इज द कार्टियस रीअरेंजमेंट, तो कह रहा है कि इट इन्वॉल्व, ठीक है, इट इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ एसाइल एजाइड इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है, बाय जेंटल हीट टू आइसोसाइनेट। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो है डिकम्पोजिशन ऑफ एसाइल एजाइड, तो एसाइल एजाइड का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है जनरली हीट, यानी आप हीट कर दो, या एचन्यू के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकता होता है। तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, एचन्यू के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्लोरोफार्म या फिर बेंजीन, कोई इनर्ट कह सकते हैं, सॉल्वेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कार्टियस रीअरेंजमेंट क्या यूजेज क्या है, तो कार्टियस रीअरेंजमेंट से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, तो कह रहा है आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आइसोसाइनेट जानते हैं कि अगर हम फर्दर इसका रिएक्शन कराना चाहते हैं तो इसे यूरिथ्रेन बन जाएगा, ठीक है, और सब्स्टिट्यूटेड यूरिया आप फॉर्म कर सकते हैं, एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मतलब इसका वाई कह सकते हैं बहुत से ही ज़्यादा यूजेज होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है जनरली एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग देखते हैं, इसी में हम थोड़ा ये और समझ लेते हैं कि कार्टियस रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कार्टियस रिएक्शन में ही हम अरेंजमेंट भी समझ लेंगे। तो इसमें बात करें कि अगर हम एग्जांपल से हम समझते हैं कि कार्टियस जो रिएक्शंस होता है वो क्या होता है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया CH2 और COOH, यानी एसाइल कह सकते हैं, एसाइल हमने कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने फिनाइल एस्टिक एसिड ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है आपका, फिनाइल है और ये एस्टिक एसिड, तो फिनाइल एस्टिक एसिड ले लिया। अगर इसको हम क्या करते हैं, ESOCl2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, यानी डार्जेन रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पर हम प्रीडीन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीडीन यानी PY दिया जा सकता है, या SOCl2 की कंडीशन में क्या हो जाता है। तो यहाँ पर हम जनरली अगर आप देखें तो ये क्लास 12th में भी आप NCERT में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा होगा कि एसाइल हैलाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसमें आप पढ़े होंगे क्लास 12th में ये। अब ये देखिए यहाँ पर COO है, OH है, तो करना क्या होता है, SOCl2। अब पूरा मैकेनिज्म तो यहाँ पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हम पहले समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट कट समझते हैं कि यहाँ पर क्या है वो है, और उसके बाद क्या है, एच है, तो एस्टिक एसिड लेते हैं, और यहाँ पर SOCl2 है, तो SOCl2 को हमें दोनों टाइप ऐसे लिख लेना है, SOCl2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, SO लिखते हैं, और इधर भी Cl एंड इधर भी Cl, यहाँ से क्या करते हैं, SCl उड़ा दो, इधर से भी उड़ा दो, इधर क्या करना है, बेंजीन, तो बेंजीन को हम ऐसा भी ले सकते हैं C6H5, ठीक है, फिनाइल को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप CH2 हो जाएगा और C डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, और यहाँ से बात करें तो ये Cl क्या होगा, यहाँ पर अटैक कर लेगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर Cl। हालांकि मैंने डायरेक्ट बताया, इसका मैकेनिज्म आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका कमेंट करेंगे तो मैकेनिज्म इसको बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे और क्या निकलता है, यहाँ पर देखिए SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ से हमें SO2 मिल जाता है एंड SCl, ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका एसाइल हैलाइड। ठीक है, तो एसाइल हैलाइड जो है जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, अब एसाइल हैलाइड को अगर हम मेटल एजाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम एजाइड ले लिए, अब सोडियम एजाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये जानते हो सोडियम प्लस होता है, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे जो एजाइड आयंस होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पर सी डबल बाउंड ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्यों अटैक करा है, यहाँ पर देखो सी डबल बाउंड वो क्या, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक क्या मोर है, जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं सी डबल इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर सी डबल बाउंड वो जो है वो पोलर बाउंड है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये माइनस होगा, यानी एजाइड आयन जो होगा यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ पर अटैक करने के बाद क्या होता है, पहले वो माइनस होता है और फिर वापस जो होता है ECl को रिलीज कर देता है, ठीक, एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो C6H5 हो गया और CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सी डबल बाउंड O, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एजाइड आयन। तो हम बात करते हैं तो यहाँ से रिएक्शन चालू होता है, इसको बोलते हैं हम एसाइल एजाइड। ठीक है, तो एसाइल एजाइड, ठीक है, तो एसाइल एजाइड को जो हम क्या करते हैं, रिएक्ट हीट करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं एसाइल एजाइड को अगर हम HNU के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रखते हैं, या आप हीट ले सकते हो किसके, इसमें हम क्लोरोफार्म ले सकते हैं या फिर बेंजीन ले सकते हैं एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, ये जो होता है ये नाइट्रीन का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा एंड CH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोलिटान होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइल नाइट्रीन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला हुआ है कि जो है एसाइल नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है, एक हाइपोथेटिकल कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो
कि इसमें जो है एसाइल नाइट्रिल का फॉर्मेशन होता है और फिर इसका रीअरेंजमेंट होता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एसाइल जो नाइट्रेन है वो कैसे फॉर्म होता होगा, तो उसका मैकेनिज्म यहाँ समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका है सी सिक्स है और एच फाइव है और सी एच टू है एंड सी डबल बॉन्ड वो है, उसके बाद क्या है एन है, ठीक है। तो यहाँ पर एन थ्री था, तो एन थ्री को अगर हम ओपन करते हैं इस स्ट्रक्चर को तो कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे होता है वन टू थ्री फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, निगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन आएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हो जाएगा सी सिक्स हो जाएगा, एच फाइव होगा और यहाँ सी एच टू होगा, सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पर जानते हैं कि वन लोन पेयर होगा, तो यहाँ वन लोन पेयर होगा। अब फिर से क्या हो जाएगा, ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस पर टू और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर भी निगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ तो यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स आए, इस नाइट्रोजन पर टू इलेक्ट्रॉन्स आए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो गया, आप जानते हैं कि अगर किसी भी सेंटर पे यानी कोई एटम्स है और अगर उस पर क्या निगेटिव चार्ज आ रहा है और लोन पेयर है उसके पास, और साइड में अगर क्या लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो वहाँ से क्या करेगा, वो उसको पुश करता है और वो निकल जाएगा। तो निगेटिव चार्ज क्या करता है, इसको पुश करता है और यहाँ से एन टू एलिमिनेट कर जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का वो क्या है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे बात करें तो सिक्स सिक्स एच फाइव होगा और सी एच टू हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, एन एन होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, इसको टू इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर बात करें तो अब ये जानते हैं कि ये यहाँ जाएगा, क्यों जा रहा है, इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा, यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो सी टू सी सिक्स एच फाइव और सी एच टू जो ग्रुप है ये रीअरेंजमेंट कर जाता है, यानी कह सकते हैं कि ये क्या माइग्रेट कर जाता है कहाँ पे, नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कार्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं, ये जो स्टेप आप मैं लिख रहा हूँ ये, इसी को हम फाइनली क्या बोलते हैं, कार्टियस रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये आपका हो गया सी सिक्स एच फाइव हो जाएगा और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर सी सिक्स एच फाइव है, उसके बाद क्या है आपका सी एच टू है और ये सी एच टू किस पे अटैक कर रहा है, देखिए ये सी एच टू ही क्या कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ जा रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एन डबल बॉन्ड हो जाएगा और सी है, उसके बाद क्या है आपका डबल बॉन्ड वो है। तो कह सकते हैं यहाँ पे हम जनरली ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, कह सकते हैं यहाँ पे मेन प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसी को कह सकते हैं कार्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो कार्टियस रीअरेंजमेंट से क्या हमें मिल रहा है, आइसोसाइनेट मिल रहा है, ठीक है। तो सी सिक्स एच फाइव हो जाएगा और सी एच टू हो जाएगा, एन हो जाएगा और उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, सी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आइसोसाइनेट का क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने देखा, यहाँ पर ये इतना जो स्टेप है इसको क्या बोलते हैं हम, कार्टियस रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म कह सकते हैं ये, ठीक है। कार्टियस रीअरेंजमेंट का क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कार्टियस मैकेनिज्म को आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर जो हमारा जो प्रोडक्ट है यानी जो आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हुआ है, अगर हम उसको क्या करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा आपका एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कह सकते हैं, जैसे आप देखे होंगे हाफ मैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो हाफ मैन रीअरेंजमेंट के कह सकते हैं सिमिलर जो होता है इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका अगर हम मान लो एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं फर्दर, तो क्या फॉर्म हो सकता है प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ पर हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एच प्लस होगा। तो इसका जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन पे क्या करेगा, अटैक कर देगा, या कह सकते हैं कि जो लोन पेयर होगा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो सी सिक्स एच फाइव सी एच टू हो जाएगा, एन होगा और डबल बॉन्ड है, उसके बाद सी डबल बॉन्ड वो हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, वो अटैक करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, लोन पेयर है। अब यहाँ पर देख रहे हो कार्बन, ठीक है। तो कार्बन है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि देखो नाइट्रोजन भी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन पे तो प्लस आ गया, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे यहाँ पे जो कार्बन पर जो होगा कह सकते हैं कि प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो होगा इस कार्बन पर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब वो जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, देखो जरा, अब देखिए यहाँ पर देखिए सी सिक्स एच फाइव है और सी एच टू हो जाएगा और यहाँ पर एन हो जाएगा
और यहाँ पर क्या है आपका सी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा ओ, और उसके बाद वाटर के पास क्या है ओ एच मिलेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा एच प्लस निकल जाएगा। तो वाटर का एच प्लस निकल जाता, हमने एक स्टेप इसमें से कम कर दिया, हालांकि आप ले सकते हैं कि ओ एच है, ओ एच टू ले सकते हो, और यहाँ से ही एच प्लस निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक ही सिंगल स्टेप में करने की कोशिश किया है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा सी ओ एच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ओ एच हो जाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या था आपका डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ जाएगा, और ये जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर यानी जो माइनस आएगा वो क्या करेगा इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन यानी एच प्लस का क्या होगा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखें तो हो जाएगा आपका C6 हो गया, H5 हो गया, CH2 हो जाएगा, एंड N हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एन रहेगा, तो यहाँ एन हो जाएगा, और एच को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो एन एच हो गया, और उसके बाद देखें तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो गया, और फिर उसके बाद क्या है आपका ओ एच है। अब यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोन पेयर है, अगर ये यहाँ आ जाता है और ये ब्रेक हो जाता है तो देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा रिमूवल होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स होगा इस रिएक्शन का क्या होगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से CO2 निकल जाएगा और AH यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर C6 हो गया, H5 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा पर CH2 हो जाएगा, और NH है, और टू नीचे में अगर देखना है तो यहाँ पर क्या होगा AH निगेटिव आ जाएगा, NH निगेटिव आता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम वर्कअप करा सकते हैं, अगर वर्कअप कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, वो होगा एच होगा और एच होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा एच प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका C6 हो जाएगा, H5 और CH2 हो जाएगा, और NH है तो क्या हो जाएगा NH2, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एमाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एसिड टू एमाइन, ठीक है। तो कन्वर्जन आप देखिए यहाँ पर क्या था आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो क्या था आपका एसिड था, और ये क्या हो जाएगा एमाइन। तो कन्वर्जन ऑफ कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एसिड टू एमाइन, ठीक है, तो इस कॉल्ड ए कर्टियस कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कर्टियस रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। और इसी में हमने देखा उसके अरेंजमेंट को। तो ये हालांकि इसमें और भी आप फॉर्म कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देते हैं जो आपका आइसोसाइनाइड था, ठीक है, तो जो आइसोसाइनेट यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ठीक है, तो अगर इस आइसोसाइनेट को अगर हम क्या कर सकते हैं रिएक्शन करा दें, ठीक है, किसके साथ, अगर एल्कोहल के साथ, ठीक है, तो एल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं तो यूरीथ्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर फिर भी हम यहाँ पर एमीन से भी रिएक्शन कराते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन के और कुछ और एग्जाम्पल के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।